तो क्या राजकुमार रोत अब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं? क्योंकि चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर जीतने के लिए एक बेहतर प्लान चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वहां पर उन्हें अच्छे उम्मीदवार भी मिले। पहले हमने चर्चा की थी कि कुछ सीटों पर हनुमान बेनीवाल के साथ भी कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही है। हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें 2 सीट दे दे, नागौर की सीट और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की सीट। इन सीटों पर हनुमान बेनीवाल के पास अच्छे प्रत्याशी हैं, ऐसे प्रत्याशी हैं जो भाजपा प्रत्याशियों को वहां पर टक्कर दे सकती है। चाहे नागौर की सीट की बात हो, वहां पर भाजपा ने ज्योति मिर्धा को उतारा है। बाड़मेर की हम बात करें, वहां पर भाजपा ने कैलाश चौधरी को उतारा है। नागौर की सीट पर हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल खुद, उनके भाई नारायण बेनीवाल या फिर हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी, कोई भी इनमें से उतर जाए तो ज्योति मिर्धा के लिए अच्छी खासी मुसीबत कांग्रेस और आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मिलकर वहां पर खड़े कर सकते हैं। बाड़मेर की बात करें तो वहां पर हनुमान बेनीवाल के पास एक बेहतर प्रत्याशी के रूप में उम्मेदाराम बेनीवाल है। उम्मेदाराम बेनीवाल को अगर संगठित करके कांग्रेस पार्टी के साथ आरएलपी के प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए तो वहां पर एक अच्छा खासा मुसीबत, अच्छा खासा डैमेज वो लोग कैलाश चौधरी को दे सकते हैं। और हो सकता है कि अगर जातिगत समीकरणों के साथ साथ कई सारी चीजों को साधा जाए तो बाड़मेर की सीट कांग्रेस मिलकर अपने खाते में कर सकती है। ये सब चीजें तो आरएलपी प्लस कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा में है, लेकिन चर्चा भारत आदिवासी पार्टी प्लस कांग्रेस के गठबंधन की भी है कि राजकुमार रोत क्या ये फैसला लेंगे कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएं? क्या राजकुमार रोत 2 सीटों की बात जो वो राजस्थान चौक के इंटरव्यू में पहले कर चुके हैं कि इस बार अपने 2 लोगों को वो दिल्ली भेजना चाहते हैं, ऐसे में क्या ये चाहेंगे राजकुमार रोत कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो और वो भाजपा को मात दे दे? राजकुमार रोत के लिए कांग्रेस के साथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले जब गहलोत सरकार थी तब भारत आदिवासी पार्टी तो नहीं थी लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी थी जिससे राजकुमार रोत और उनके एक साथी विधायक थे। ऐसे में अब भारत आदिवासी पार्टी बन गई है जिसके राजकुमार रोत सदर हैं और अभी भारत आदिवासी पार्टी के राजस्थान में 3 विधायक भी हैं जहां राजकुमार रोत खुद 84 विधानसभा सीट से विधायक है। ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही है कि राजकुमार रोत 2 सीटों पर विमर्श कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन हो जाए। 2 सीट, सबसे पहली बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट, यहां पर भाजपा ने कांग्रेस से भाजपा में आए लगातार 4 बार के विधायक और इसी सीट से पूर्व सांसद महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दी है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय यहां पर बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश का जो इलाका इस सीट से लगा है वहां के आदिवासी वोट बैंक में भी मालवीय की अच्छी पकड़ है, ये जग जाहिर है। ऐसे में पिछली बार यहां पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी कांतिलाल रोत थे जो 3रे नंबर पर रहे क्योंकि कांग्रेस भी यहां पर मैदान में थी। लेकिन अगर इस बार गठबंधन होता है बाप यानी कि भारत आदिवासी पार्टी प्लस कांग्रेस का और उम्मीदवार बनाया जाता है राजकुमार रोत को या फिर कांतिलाल रोत को या किसी और को, तो ऐसे में एक अच्छी फाइट इस सीट पर देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि राजकुमार रोत का खुद का जो मार्जिन इस बार जीतने का रहा है लगभग 70,000 वोटों से वो विधानसभा 84 विधानसभा सीट से जीत कर पहुंचे हैं। ऐसे में अगर राजकुमार रोत खुद चुनाव लड़े कांग्रेस के साथ गठबंधन में, महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपोजिट में रहें, तो अच्छी खासी टक्कर ये संगठित जो गठबंधन है भाजपा को इस सीट पर दे सकता है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ये सीट भाजपा के ही खाते में रही है जहां से बांसवाड़ा डूंगरपुर से कनकमल कटारा भाजपा के सांसद हैं। दूसरी सीट की बात करते हैं, ये जानकारी है कि उदयपुर की जो आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, वो सीट पर भी चर्चा हो सकती है कि राजकुमार रोत कांग्रेस पार्टी के साथ जाएं। राजकुमार रोत वहां पर गठबंधन करेंगे क्योंकि उदयपुर की जो सीट है जहां पर अर्जुन लाल मीणा वो भाजपा के सांसद हैं और उदयपुर की सीट को भाजपा की परंपरागत सीट माना जाता है सांसदी के लिए भी, कि सांसदी के लिए उदयपुर की सीट भाजपा के लिए बड़ी ही सेफ सीट है।
लेकिन यहां पर अगर मुसीबत पैदा करनी है तो राजकुमार रोत और अगर कांग्रेस साथ में आते हैं तो भाजपा को अच्छा खासा डैमेज, या फिर क्या पता ये सीट निकाल लें वो, ये मिलकर राजकुमार रोत और कांग्रेस इस उदयपुर की सीट पर भी दे सकते हैं। ये दो सीटों की चर्चा है कि राजकुमार रोत अगर गठबंधन करें कांग्रेस पार्टी के साथ तो अच्छा खासा एक राजनीतिक खेल इन दोनों सीटों पर रचा जा सकता है। लगातार ऐसे हम आपको वीडियोस दिखाते रहेंगे। आप राजस्थान चौक को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान चौक।